हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कराया जाएगा जो कि पदार्थ की अवस्था है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये स्थान भी घेरते हैं और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। पदार्थों के अगर गुण की बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन तीनों को अगर हमें स्टडी करना है कि इसके बीच कैसे रिक्त स्थान पता लगाया जाए, इसमें गतिशीलता कैसे होती है और इसमें आकर्षण कैसे होता है, इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम लोग जो गुण देखेंगे वो कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पता लगाने के लिए एक गिलास पानी लेना है और पानी के लेवल को पहले माप लेना है। उसके बाद उसमें चीनी या नमक डालने पर, एक चम्मच या दो चम्मच अगर चीनी या नमक डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके लेवल में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात वो चीनी या नमक उस पानी में डालने पर उसके रिक्त स्थानों में वो समा जाता है और इसलिए उसका आयतन या उसका लेवल में कोई वृद्धि नहीं होता है। और सबसे कम जो आकर्षण होता है वो ठोस में होता है। दूसरा गुण देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस गुण को पता लगाने के लिए यदि हम एक ग्लास वाटर में नील या इंक का एक बूंद गिरा दें तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या होगा, गतिशीलता के कारण पूरे इंक जो होगा पूरे पानी में फैल जाएगा। और यह प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट करता है कि पदार्थ के कणों के बीच में निरंतर गति होता है और ताप बढ़ाने पर कणों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। और सबसे कम जो गति होता है वो ठोस में और सबसे अधिक जो होता है वो गैसों में, और द्रव में क्या होता है वो मध्यम होता है। हम लोग देखेंगे पदार्थ की तीसरी गुण क्या होती है। तो पदार्थ का जो तीसरा गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। सबसे अधिक आकर्षण ठोस में होता है और सबसे कम आकर्षण जो होता है वो गैसों में होता है। तो इसको पता लगाने के लिए यदि एक खुले हुए नल से पानी गिर रहा है, अगर उसके बीच में हम उंगली लगा दें तो पहले तो वो दोनों तरफ से पानी जाएगा और बाद में क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अगर देखें तो पदार्थ की अवस्था मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। बट क्लास 9th में सिर्फ तीन अवस्था पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है या क्या क्या भिन्नता होती है। तो देख सकते हैं पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस के जो आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि द्रव अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित। ठोस के कणों की जो विमाएं होती हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि द्रव और गैस की अनिश्चित विमाएं होती हैं। ठोस कठोर होता है जबकि द्रव बहाव होता है उसमें, और गैस में भी बहाव होता है। द्रव जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है लेकिन गैस चारों दिशाओं में बहता है। ठोस असिम्पडीय है, मतलब उसको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। द्रव को दबाया जा सकता है और गैस को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का मिश्रित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। तो ठोस का अगर एग्जांपल देखना है तो जैसे मेज हो गया, ईंट हो गया, द्रव का पानी, दूध, पेट्रोल और गैस का ऑक्सीजन, मीथेन, ये सभी गैस। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं अवस्था परिवर्तन, द्रव को कैसे ठोस को द्रव में बदला जाता है, द्रव को गैस में और गैस को ठोस में। ये एक जो रेखा चित्र दिखाया गया है यह अवस्था परिवर्तन को दिखाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण से शीतलता, मतलब यदि हम अपने हाथ पे पेट्रोल डाल दें तो हमको ठंडा फील होता है। उसका रीजन क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो द्रव होता है, द्रव के कण होते हैं, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है जिससे वहाँ पे ठंडा फील होता है। तो कभी पेट्रोल को हाथ पे गिरा के देखे, ठंडा फील होता है।